जो ये रोड है धर्मपाल जी, आप देख सकते हैं कि इसका कितना बुरा हाल है और कई वर्षों से इसका यही हाल है और लोगों की मांग भी रही है कि इस सड़क को बनाया जाए और इसको लोगों की अधूरी इच्छा को, अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया जा सके। पर ये सड़क की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है और मैं सरकार का ध्यान नहीं, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो ये सड़क है ये जाती है मामूपुर गाँव, जो इस समय मौके पे मौजूदा सरकार जेजेपी सरकार के प्रदेशाध्यक्ष हैं, मौके पे गठबंधन की सरकार जो चल रही है, इनके जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हमारे श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके खास, और हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष जेजेपी सरकार के निशान सिंह जी हैं, उनके गांव की खुद की सड़क है और इससे गंदी हालत उनके गांव के अंदर सड़कों की है। जो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या कारण है कि एक प्रदेशाध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने ये सड़क आज तक नहीं बन पाई है और इसका काम रुका हुआ है, इसलिए हम लोगों को बार बार आवाज उठाते हैं। और हमारा ये नहीं है कि हम बैठे और धरातल पर कोई चीज नहीं और हम वैसी बातें करते रहते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं और असल समस्या लोगों को दिखाते हैं, हम लोगों को रियलिटी में वहां पर लेके आते हैं और दिखाते हैं कि हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो रियल में है या नहीं है, हम हवा में तीर नहीं मारते हैं। तो ये कहना चाहूंगा कि जब एक प्रदेशाध्यक्ष खुद अपने गाँव की सड़क का निर्माण नहीं करा सकते तो लोगों की भलाई का कार्य क्या होगा, यहाँ से उनका खुद भी आना जाना होता होगा, ये नहीं कहते कि आम जन ने आना जाना, उनका खुद भी आना जाना होता होगा, तो क्या कारण है कि आज तक सड़क का काम बीच में लटका हुआ है। तो ये सरकार की वही खाओ पियो ऐश करो मित्रों वही हिसाब किताब है कि खुद का पेट भरो और जनता को छोड़ो अपने हाल पर। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।